हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए चीजी पोटैटो नगेट्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ। फ्रेंड, रेस्टोरेंट स्टाइल के इस चीजी पोटैटो नगेट्स को बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए हम लोग इसकी रेसिपी को देखते हैं। इसके लिए एक वॉक में मैंने 2 टेबल स्पून भर करके मैदा लिया है, पर अब मैं 2 टेबल स्पून ही बटर लूँगी और बटर के साथ मैदा को मैं हल्का उसके कच्चापन जाने तक भूनूंगी। आप सभी लोगों को पता है कि व्हाइट सॉस के लिए थोड़ा सा ही भूनना है हमें, मैदा को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, केवल मैदा के कच्चापन को हमें निकालना है। दोस्तों, बस इतना देर ही हमें इसे फ्राई करना है। इसके लिए लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें भूनना होगा। और जब ये भून गए तो मैंने इसमें लगभग 1.5 कप दूध डाला था, तो मैंने लिया था, तो मैंने पहले इसमें 1/2 कप दूध डाला है और धीरे से धीरे करके मैंने सारे दूध को इसमें डाल दिया है। और दूध डालने के बाद मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। जब दूध और मैदे का मिक्सचर अच्छी तरह ठीक होने लगेगा तो मैंने इसमें 3 पोटैटो क्रस्ट को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था, उसे डाल दिया है। साथ में मैंने ग्रीन चिली 3 डाला है और एक मैंने 50 ग्राम का चीज़ क्यूब उसे भी ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। और अब मैंने इसमें ओरिगैनो और साथ में ही मैंने इटालियन सीजनिंग डाला है, थोड़ा सा मैंने पिज्ज़ा वाले मसाले डाले हैं। और अब मैं इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है और थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर भी डाल दिया है दोस्तों। और अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। चिली फ्लेक्स लगभग मैंने 1 टीस्पून डाला था क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डाल के सबों को मिला लूंगी अच्छी तरह। जब मिक्सचर अच्छी तरह थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें मैंने सॉल्ट मिलाया टेस्ट के हिसाब से। और अब मैंने 2 ब्रेड एकदम ताज़े ब्रेड मैंने लिए थे, जिसे मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया था। और अब इसी ब्रेड क्रम्स को मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सारे मैंने जो आलू और मेरे वाइट सॉस और चीज़ के मिक्सचर थे उसमें मैंने अच्छी तरह से मिला दिया था। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला डाला है, थोड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है, इसे आप लोग ज़रूर डालिएगा, एकदम दूसरी तरह से लगता है ये चीजी नगेट्स। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह से मिला दिया है और मिलाने के बाद मैं इसका अच्छा सा छोटा छोटा नगेट बना लूँगी। पहले डो को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और उसके बाद हाथ में तेल लगा के मैं इससे छोटे छोटे नगेट्स करके हाथ से गोल गोल शेप दे दूँगी। बहुत ही आसानी से ये नगेट्स बन जाते हैं, देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। आप चाहे तो इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट के भी तल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें इसी तरह फ्राई किया था, बिल्कुल कुरकुरे बन रहे थे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाया है। मैंने 3 ब्रेड क्रम्स बनाया था और 3 ही मैंने पोटैटो भी लिए थे मीडियम साइज़ के। 50 ग्राम मैंने चीज़ क्यूब लिया था जिसे ग्रेट कर लिया था और आलू को भी बॉयल करके मैंने ग्रेट कर लिया था। 3 ग्रीन चिली लिया था और बाकी जितने भी मेरे पिज़्ज़ा के मसाले थे, मिक्स हर्ब थे, ओरिगैनो थे और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर लिया था और चिली फ्लेक्स मैंने लिया था और सॉल्ट एज ए टेस्ट लिया था मैंने। जब मेरे सभी नगेट्स बन गए तो मैं अब इसे फ्राई कर लूँगी। अगर आपको ये थोड़े गीले लगे तो आप थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर से इसे अच्छा सा रोल कर दीजिए, उससे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और बिल्कुल नहीं टूटते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको बताया है उस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसमें पहली टिप्स है कि आप आलू जब भी लें ग्रेट करके लें, नहीं तो उसमें गांठ रह जाएगी। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोस्तों, 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। जो नगेट्स बचेंगे उसे आप डब्बे में बंद करके डीप फ्रिज में रख दें, ये हफ्ते तक चलेंगे। इसे जब भी मन हो फ्राई करके खाइए। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरे चीजी पोटैटो नगेट्स फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गए, मैंने इसे सर्व कर दिया। उम्मीद है दोस्तों ये न्यू रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। नई रेसिपी लाने तक
मुझे अपनी फ्रेंड को आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।